है, यूपी टू पंजाब, यूपी से पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? एकदम, हम सभी यूपी से पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सर त्रिवेणी जी, सलमान जी, हमारे प्रोड्यूसर श्री प्रकाश जी और कल्लन जी, और हमारे भाई बड़े भैया बालेश्वर भैया, सभी लोग, हम लोग का सुशील भैया भी है इस फिल्म में। तो एक बढ़िया सी टीम लेके हम लोग पंजाब जाएंगे और एक अच्छी सी फिल्म बना के फिल्म देंगे। पोस्टर में सिर्फ आप ही हीरो दिख रहे हैं, बाकी मुझे सारे विलन दिख रहे हैं। बहुत लोगों से लड़ना है आपको। एक विलन तो अभी साथ में ही है, बहुत लोगों से लड़ना है। हालांकि असल में ये स्टोरी पंजाब की, और मैं यही एक्साइटेड हूँ कि सुशील भैया, बालेश्वर भैया, सब लोग, जब उमेश भैया, सब लोग जब पगड़ी में, पंजाबी पगड़ी में नजर आएंगे तो कैसा लगेगा। ये सारे लोग पंजाबी है और मैं बिहार का लड़का, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा करने में। आपकी हीरोइन जो है सोनालिका जी, उनके बारे में क्या कहते हैं? सोनालिका जी अभी एक फिल्म, अरे भाई साइलेंस, साइलेंस हो जाओ, क्या तुम बता। अभी एक फिल्म हम करके आए जिसका नाम रॉबिन हुड पांडे है, उसमें सोनालिका प्रसाद जी हैं और मधु शर्मा जी। तो हम लोगों ने सोनालिका प्रसाद जी के साथ अभी कुछ दिन शूट करके आए हम लोग सरकार। काफ़ी अच्छा नेचर है उनका, काम बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। फिल्म के डायरेक्टर सर के बारे में क्या? डायरेक्टर सर काफ़ी दिलचस्प लगे हमें, जब ये स्टोरी सुनाने आए थे हमको, हम लोग स्टोरी सुन रहे थे, तो ये स्टोरी इतने उत्तेजना के साथ और इतने अच्छे तरीके से ब्रीप कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, इंटरेस्टिंग पर्सन भी है, तो एक इंटरेस्टिंग फिल्म बना के हम लोग चर्चा करेंगे। जी सर, आपको बताना चाहूँगी रितेश जी को फिल्म में कास्ट करने की क्या वजह? मुझे ऐसा लगा कि मेरे फिल्म के अंदर जो किरदार है उसमें रितेश जी से बेटर कोई हो नहीं सकता है इसके लिए। रितेश जी क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको यूपी से पंजाब जाना है, थोड़ा बहुत पंजाबी भी शायद सीखनी पड़ेगी। जी नहीं, देखिए मैं भोजपुरिया आदमी हूँ और पंजाब में भी जाऊँगा तो भोजपुरी ही बोलूँगा, तो मुझे पंजाबी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जो पंजाबी किरदार निभा रहे हैं हमारे बड़े भाई लोग, बालेश्वर भैया, उमेश भैया और सुशील भैया, तो इनको पंजाबी सीखने की ज़रूरत होगी। मैं तो भोजपुरिया आदमी, कहीं भी जाऊँगा, इंग्लैंड भी जाऊँगा तो भोजपुरी ही बोलूँगा। बालेश्वर जी क्या कहेंगे फिल्म के लिए? बस ये कहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है। धीरेन्द्र जी इसके डायरेक्टर हैं, जो अभी हम लोग साथ में फिल्म करते हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं और उनका व्यू बहुत अच्छा है, क्लियर रहता है। और तेज जी हैं तो, और बहुत अच्छी बनेगी और जब आप आएंगे पर्दे पर। रितेश जी के बारे में क्या कहेंगे? रितेश जी के बारे में मैं एक उम्र में बहुत सालों से जानता हूँ, और अभी हम लोगों ने एक फिल्म किया है फर्ज, और फर्ज में जो है भाई हमारे हीरो थे, मैं और उमेश जी विलन थे, 20 दिन साथ में था, बड़ा मजा किया हम लोगों ने, बड़ा शूटिंग किया, बड़ा मजा आया और वो फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। तो अच्छे हीरो हैं, अच्छे सिंगर हैं, और तो आप लोगों के बीच में आज जो है टॉप के स्टार हैं, तो क्या कहना है। अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म डोली करके आए थे, फिर उसके बाद हमने दबंग दबाज का सेकेंड शेड्यूल पूरा किया था, और आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमारे सैया थानेदार, पर्ज, राजा राजकुमार और मजनुआ हैं जो बन के रेडी हैं, वन बाई वन आ रहे हैं। अभी हमारी फिल्म बिहार झारखंड में ये जो परवरिश, हमारे पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस फिल्म के प्रति, तो इसके लिए आप लोगों के माध्यम से हम अपने जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस भाई को इतना ज़्यादा प्यार करना सिखाया। दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, क्या प्लानिंग चल रही है? सबसे पहले तो हमारे सभी भोजपुरी दर्शकों को दिवाली और छठ की बहुत बहुत शुभकामना। माँ तारी आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए, आप लोग हमेशा सुखी रहें, और दिवाली तो घर पे ही मनेगी बनारस। और सबसे इंटरेस्टिंग एक बात ये है कि इस बार छठ का व्रत हम भी करने जा रहे हैं अपने गांव, हमारी माँ ने मन्नत माना था, तो
तो इस बार हम छठ का व्रत करने वाले हैं, सासाराम के करीब हमारा गांव है। इस फिल्म की बात कर ले, म्यूजिक जैसे कि छोटे बाबा जी ले रहे हैं, कितना अलग होगा फिल्म का म्यूजिक, कुछ बताइए। अभी हम लोगों ने छोटे बाबा के साथ हम लोग कल बैठने वाले हैं, और जैसा कि स्टोरी है, स्टोरी के हिसाब से सारे गाने होंगे। और जहाँ तक छोटे बाबा जी का सवाल है, वो बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से गाने बनाते हैं। गाना तो तड़कता भड़कता होने वाला है। क्या कहेंगे फैंस को, क्या अपने आने वाले अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग प्यार दुलार इस भाई के ऊपर बनाए हैं, उसमें और बढ़ोतरी करिए। जैसे एक गाना था कि एक गाना गोपाल राय जी का था कि तुम्हारे सूद लेखा बढ़ाता जवानी बबुनी, तुम्हारे सूद लेखा बढ़ाता जवानी बबुनी, आहा महंगाई लेखा बढ़ता जे लोग तोहरा के चाहे वाला, तो महंगाई के तरह जो चाहत है वो बढ़ाइए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, भाई के प्रति चाहत भी उसी तरीके से बढ़ाइए। हमारे फिल्मों को देखने जाइए, मेरा पूरा कोशिश यही रहता है, रुआ सब के भाई के पूरा कोशिश ये रहला ऐसा फिल्म बनाओ जाओ कि रुआ सब माई बहन के संगे बैठ के देखी जा, और वह सब हमारा फिल्म के जाके देखी जा, और वह सबके सच में ये अनुभव हुई कि पूरा परिवार के साथ वह सब बैठ के हमारा फिल्म देख सकते। थैंक यू सो मच।